नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की मोहब्बत का। बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी 27 दिसंबर साल 1969 को शादी के बंधन में बंधे। दोनों की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। मंसूर अली खान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे और शर्मिला टैगोर एक शानदार अदाकारा। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी, जिन्हें टाइगर पटौदी भी कहा जाता है, इनकी पहली मुलाकात साल 1965 में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। उस वक्त शर्मिला टैगोर के बारे में ये कहा जाता है कि वो मंसूर अली खान के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन मंसूर अली खान पटौदी को शर्मिला के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन टाइगर पहली ही मुलाकात में शर्मिला को अपना दिल दे बैठे। शर्मिला पर भी टाइगर का इंप्रेशन अच्छा रहा, लेकिन शर्मिला टैगोर मंसूर अली खान को लेकर श्योर नहीं थी। वहीं टाइगर ने शर्मिला को इम्प्रेस करने के लिए काफी कुछ किया। कहते हैं एक बार तो उन्होंने शर्मिला टैगोर को इम्प्रेस करने के लिए रेफ्रिजरेटर गिफ्ट में कर दिए थे, 7। जी, आपने सही सुना, 7 रेफ्रिजरेटर। एक बार एक इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर ने कहा था कि शर्मिला और टाइगर की बेटी, दरअसल सोहा अली खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अब्बा और अम्मा एक फिल्म की पार्टी में मिले थे। अब्बा को अम्मा बहुत ही पसंद थी, अम्मा बहुत खूबसूरत थी और अब्बा ने कोशिश की थी कि अम्मा को इम्प्रेस करने की, लेकिन अम्मा ने उन्हें उस समय भाव नहीं दिया। फिर उस समय अब्बा ने अम्मा के घर पर 1-2 नहीं बल्कि 7 रेफ्रिजरेटर भेजे, वो भी सिर्फ इसलिए कि अब्बा को कुछ तो रिएक्शन मिले। अम्मा ने उन्हें कॉल किया और पूछा कि व्हाट इज हैपनिंग। बस यहीं से सब कुछ शुरू हुआ और शुरुआत यहां से होती है और बात आगे बढ़ती है। शर्मिला को टाइगर ने पेरिस में प्रपोज किया था। एक इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर ने बताया था कि पेरिस में प्रपोज करने से पहले टाइगर ने अपनी मां को बताया कि वो और मैं शादी करना चाहते हैं। शर्मिला ने कहा कि हम अम्मा से मिलने गए और वहां टाइगर ने कहा कि उन्होंने और मैंने शादी करने का फैसला किया है। उन्होंने मुझे नहीं बताया था बस, और वहां उनकी एक घोषणा हुई। बाद में उन्होंने पेरिस में फॉर्मली प्रपोज किया। शर्मिला और टाइगर के 3 बच्चे हैं, एक बेटा सैफ अली खान आप जानते हैं और 2 बेटी सोहा और सबा अली खान। आपको बता दें कि शर्मिला टैगोर ने टाइगर से शादी करने के बाद भी फिल्में नहीं छोड़ी, फिल्में करना जारी रखा, बल्कि उन्होंने 2 बड़ी हिट फिल्में दी, आराधना और अमर प्रेम। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।